आजकल के टाइम में महिलाएं इतनी घर में सुरक्षित नहीं है जितनी डेरे में है। वहाँ पे प्रॉपर एक ना मर्यादा बनी हुई है, पुरुष पुरुष अलग जगहों पे और महिलाएं अलग जगहों पे। ये लोगों ने मतलब एक ना मीडिया के थ्रू एक ना इमेज बना रखी है कि डेरे में गलत होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार चैनल के माध्यम से कई जो लेडीज़ हैं, कई महिलाएं हैं, कई छात्र हैं और कई वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं और कई पुरुष हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बताते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के साथ जो जर्नी है उनकी बिल्कुल सेफ थी, ऐसा कुछ नहीं था जो कि मीडिया में दिखाया गया, जबकि उसके बिल्कुल विपरीत था। वो मानवता भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक पुरुष, एक भाई हमारे साथ जुड़े हैं। जानेंगे आखिर क्या कैसी थी उनकी जर्नी, क्या क्या उन्होंने वहाँ पर देखा, क्या क्या फील किया, पर्सनल एक्सपीरियंस। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मैम केतन मेहता। डेरा सच्चा सौदा से जो आपकी जर्नी है कब से स्टार्ट हुई? मुझे कम से कम 15 से 20 साल हो चुके हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MBA कर रहा हूँ सिरसा से, यूनिवर्सिटी से। सिरसा आप यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हो, वेल क्वालिफाइड हो आप, उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ना हम डेरे में आ रहे हैं और डेरे में हमें जो मिला है ना वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि मेरे एज के जो बच्चे हैं आजकल नशों में लगे हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं। और मैं MBA कर रहा हूँ बट मुझे अपने पे नाज है, मैं कुछ गलत नहीं करता, कुछ नहीं गलत नहीं खाता, कुछ दारू वगैरह नहीं करता। और मेरे पापा की डेथ हुई है, उसके बाद मैं खुद अपने घर को संभाल रहा हूँ और सिर्फ गुरु जी की मेहर से। मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था डेरा को लेके, गुरु जी को लेके। आपने जो डेरा के अंदर देखा और मीडिया को देखा, उसमें जो अंतर है, कितनी सच्चाई मीडिया की बातों में है और कितनी सच्चाई डेरा की बातों में? देखो जी, मीडिया तो सब पैसे का खेल है, पैसे दोगे तो बस वही बुलवा लो, पर रियलिटी में मुझे 15 साल हो चुके हैं डेरे में रहते को जाते को। वहाँ पे मैंने इतने मतलब सेवाएं की हैं बट आज तक मैंने कुछ वहाँ गलत नहीं देखा। वहाँ पे लेडीज़ इतनी सेफ हैं, वहाँ पे प्रॉपर एक मर्यादा बनी हुई है, जेंट्स अलग और लेडीज़ अलग। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो लोग सुन रहे हैं बातें उसे सुने ना, वहाँ जाके देखें कि रियलिटी में डेरा है क्या। सुनी सुनाई बातें तो बहुत लोग कहते हैं पर रियलिटी कुछ और ही है डेरे की। गुरुजी पे जो आपका विश्वास है कितना? गुरुजी पे बस इतना विश्वास है कि अटूट विश्वास है। मतलब गुरुजी ने ये कह दिया ना कि ये चीज़ सही है तो यही सही है हमारे लिए, तो क्योंकि बचपन से वहाँ जा रहे हैं। गुरुजी ने हमें जो शिक्षाएं दी है उसके बेस पे आज मैं इस लेवल पे पहुंच चुका हूं। अपने घर को संभाल रहा हूं, घर से सब कुछ, अपने घर को सब कुछ दे रहा हूं, ठीक है, कोई नशा नहीं करता, मतलब घर वाले इतने खुश हैं मुझसे, ये सब गुरुजी की वजह से ही है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो कि कहते हैं डेरा में सिर्फ अनएजुकेटेड लोग जाते हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आप सुनिए मत, आप खुद जाके डेरे में देखिए पहले कि डेरा क्या चीज़ है, उसको एनालाइज कीजिए, उसके बाद बोलिए कि डेरे में क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि लोग कुछ कहते कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रही है। सो मेरी आपसे यही विनती है, आप एक बार डेरे में जाएं, वहाँ जाके देखें कि डेरा क्या चीज़ है, उसके बाद अपना एक डायरेक्ट फैक्ट निकालें कि डेरे में क्या चीज़ गलत है क्या सही है। अगर गुरुजी समाज के बीच में आ जाते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या क्या जो दुष्प्रभाव हैं समाज से, क्या क्या कुरीतियाँ हैं वो जा सकती हैं? गुरुजी वैसे तो मतलब समाज में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जैसे मतलब कैंप लग रहे हैं खूनदान के, ठीक है, सफाई अभियान हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कि गुरुजी ने अगर समाज के बीच में आते हैं ना तो जो ये नशे की इतनी लत लगी हुई है, घर घर में नशा हुआ पड़ा है, इसका लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो मेरी तो यही विनती है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी बाहर आएँ और एक समाज को नई दिशा दें। महिलाएं जो हैं डेरा जाती हैं कितनी सुरक्षित हैं? आप भी वहां जाते थे, आपकी बहनें जाती होंगी, माताएं जाती होंगी, कितनी सुरक्षित हैं? देखो जी, आजकल के टाइम में महिलाएं इतनी घर में सुरक्षित नहीं हैं जितनी डेरे में हैं। वहां पे प्रॉपर एक ना मर्यादा बनी हुई है, पुरुष पुरुष अलग जगहों पे और महिलाएं अलग जगहों पे। ये लोगों ने मतलब एक ना मीडिया के थ्रू एक ना इमेज बना रखी है कि डेरे में गलत होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं वही बात मैं वापस दोहराना चाहता हूँ कि आप एक बार डेरे में जाके देखें कि रियलिटी क्या है, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें।